वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। और मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ आज एमयू एमबीए 2020 के जो क्वेश्चन आए थे, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, कुछ टिप्स भी बताए थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, उसी को हम यूज़ करते हैं। एक बार हम पैसेज देख लेते हैं क्या दे रखा है। ह्यूमन रेस हैज नेवर फेस्ड अ चैलेंज बिगर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन क्लाइमेट चेंज। देखिए, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हो रही है। टू न्यू बुक्स कैप्चर, दो बुक्स हैं, द अनइनहैबिटेबल अर्थ लाइफ आफ्टर वार्मिंग बाय डेविड वैलेस वेल्स, एक बुक ये है, ऑन द लूजिंग अर्थ रिसेंट इंडस्ट्री नेथियल रिच, ये एग्जाम्पल है। तो देखिए, एक हमने व्यू ले लिया ये अच्छा क्लाइमेट चेंज के बारे में है, दो बुक्स उसके बारे में लिखे हैं इन्होंने कुछ कहा उसके बारे में। तो एक अप्रोच ये है कि हम एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं फिर वापस पैसेज पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज वी आर अनेबल टू फाइट क्लाइमेट चेंज, एक क्वेश्चन ये है। अकॉर्डिंग टू डेविड वैलेस वेल्स Which of the following is not true according to Nathaniel Rich? Nathaniel Rich, this a synonym of dissipate. तो देखिए, हमें पैसेज में समझ में आ रहा है दो क्वेश्चन Nathaniel Rich वाले पैसेज पर बेस्ड है, एक डेविड वॉलेस पर है और एक जनरल है। हम शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू पैसेज वी आर एनेबल टू फाइट क्लाइमेट चेंज। अब देखिए, हमें कैच करना है यहाँ पे मेन पॉइंट, टू अनेबल टू फाइट क्लाइमेट चेंज, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, हम पैसे जो पढ़ते हैं, ह्यूमन रेस हैज नेवर फाउंड अ चैलेंज और कॉम्प्लेक्स इज अ चैलेंज दैट अवर पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल आर अनेबल टू टेक ऑन। फाइटिंग क्लाइमेट चेंज रिक्वायर इंटेलिजेंट न्यू पैराडिगम। देखिए, एक चीज हमें ये समझ में आ रही है, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप, यही ऑप्शन सी में हमें डायरेक्ट मिल रहा है। अवर पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, ये आंसर हो गया। देखिए, एलिमिनेशन भी कर लेते हैं, पीपल आर अनविलिंग, ऐसा कोई बात ही नहीं हुई कहीं पर, इट इज नॉट पॉसिबल। देखिए, ये भी ऑप्शन नहीं है, डी भी नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइट क्लाइमेट चेंज, बिकॉज पैसेज में हम देखते हैं कि उसमें अगली लाइन में ही कहा है फाइटिंग क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स, यानी कि हम फाइट कर सकते हैं, वी कैन फाइट क्लाइमेट चेंज अकॉर्डिंग टू ऑथर। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी को हम कट कर देंगे, जिसमें लिखा है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइट, ये नहीं होगा। तो आंसर सिर्फ क्या बचा, ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू डेविस वॉलेस वेल्स, इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस वार्मिंग बाय दिस, इट इज पॉसिबल टू अरेस्ट मेल्टिंग, इट इज पॉसिबल टू कीप सिटीज एंड इट इज पॉसिबल टू स्टॉप वॉर। देखिए, चार पॉसिबिलिटीज हैं, हम ये देखना है कि इसमें हमें कौन सा बुक में दे रखा है। ग्लोबल जीडीपी पर कैपिटा विल बी कट, 400 मिलियन विल सफर फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी, मेजर सिटीज इन इक्वेटोरियल बैंड विल बिकम अनलिवेबल, यानी ये सब चीजें होंगी। लेकिन एक चीज की देखिए पॉसिबिलिटी, इफ कलेक्टिव एक्शन मैनेजेस टू कीप 2 डिग्री सेल्सियस ऑफ वार्मिंग, अब ऑप्शन पे आते हैं, तो अकॉर्डिंग यानी ये पॉसिबल है। उसमें कहा कि अगर सब मिलके करें तो 2 डिग्री पे कर सकते हैं, लेकिन 2 डिग्री सेल्सियस को रोकने के बाद भी क्या होगा, ये सब होंगी, तो यानी इसे नहीं रोक सकते हम, सिटीज को ये भी नहीं रोक सकते और वाटर स्कैरसिटी को भी नहीं रोक सकते अकॉर्डिंग टू डेविड वैलेस वेल्स। तो हम किसे रोक सकते हैं, सिर्फ ऑप्शन ए, वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस हम रोक सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू नेथियल रिच, क्लाइमेट चेंज इज अ क्राइम बिकॉज फेलियर टू ड्यू टू नॉट ट्रू, यानी तीन चीजें ट्रू हैं और एक नॉट ट्रू है। हम आ जाते हैं इस पे, देखिए नेथियल रिच ने नेक्स्ट पे आ गया, तो अब इस पैसेज पे जंप कर जाते हैं। दिस सेज दैट अकाउंट ऑफ व्हाट व्हेन द मोमेंट ऑफ ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ एंड एन अपेरेंट विलिंगनेस वर डिसिपेटेड इनटू दिस, दिस हैपेंड ड्यू टू सेवरल रीजन, फेलियर ऑफ साइंटिस्ट टू पुट अक्रॉस अ क्लियर मैसेज इन सफिशिएंट फोर्स, एक्शंस ऑफ पॉलिटिशियन एंड एनर्जी कंपनीज अमंग देम, यानी कि नॉट ट्रू मतलब कि क्राइम है बिकॉज फेलियर ड्यू टू फेलियर ऑफ साइंटिस्ट, यस ये भी दिया उसने कि हम सफिशेंट या फोर्स के साथ क्लियर मैसेज नहीं दिया साइंटिस्ट ने, एक्शन ऑफ पॉलिटिशियन भी उसने कहा नेथियल रिच ने, और कंपनीज ऑफ एक्शन ऑफ एनर्जी कंपनी, लैक ऑफ एयरनेस के बारे में बात नहीं हुई। तो अवर आंसर विल बी सी, तो हमें बताना है इस बार नॉट ट्रू, बाकी तीनों ऑप्शन ट्रू है नेथियल रिच के अकॉर्डिंग।
क्वेश्चन फोर फिर से देखें। नेचुरल रिच ऑब्जर्व दैट नियरली एवरी कन्वर्सेशन वी हैव इन 2019 अबाउट क्लाइमेट चेंज वाज हेल्ड इन 1979। दिस इंप्लाइज दैट कि 1979 में जो बातें हुई थी वो भी अभी चल रही है, यानी जो 1979 में हो जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिसिपेट, क्योंकि डिसिपेट का मीनिंग होता है कि किसी चीज को टाइम के साथ क्या हो जाए, वो डिसअपीयर हो जाए, कम होने लगे यार। और डीजनरेट का मतलब भी क्या होता है, डिक्लाइन, कोई चीज डिक्लाइन की तरफ हो। तो इसका सिनोनिम होगा ऑप्शन नंबर ए, डीजनरेट। स्पॉट द एरर पर आते हैं। देखिए, रेशमा इज नेग्लिजेंट ऑफ हर ड्यूटी बट नॉट नेग्लेक्टफुल ऑफ हर एक्टिविटीज। देखिए यहाँ पर एक जब बार नेग्लिजेंट यूज हुआ है, एक बार नेग्लेक्टफुल, तो इस चीज को याद रख लीजिए कि नेग्लेक्टफुल के साथ हमें लगता है ऑफ। नेग्लेक्टफुल होता है किस चीज के, हम पीपल के नेग्लेक्टफुल होते हैं, नेग्लेक्टफुल ऑफ पीपल या नेग्लेक्टफुल ऑफ थिंग्स। नेग्लेक्टफुल ऑफ हर अपीयरेंस ये ठीक है, लेकिन नेग्लिजेंट जो होता है वर्ड, नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट के साथ यूज होता है इन। नेग्लिजेंट इन हर ड्यूटीज, ऑफ हर ड्यूटी नहीं, इन हर ड्यूटी आएगा। ये सेकंड पार्ट में हमारा एरर है। The company has been handed over to the new management, lock, stock and barrel. Idiom में दिया lock, stock and barrel का मतलब होता है completely, मतलब with everything. So here option A completely. Option A to spot the error. The information officer at the bank told his customer that there was several different kinds of checking hours available. तो हमें देखिए सिर्फ समझ में आ रहा है was की जगह क्या होगा were. There were several different kinds of account checking available. Option three. Spot the error. The first electric lamp had, like past की बात हो रही, had two carbon rods from which vapor serves to conduct the current across the cavity. Three. क्योंकि देखिए had जब past tense है तो vapor serve की जगह क्या होगा, serve. This is the error. Question 10. In order to get the visa to UK, one must present a medical report along with your ID. यानी your का कोई sense नहीं बनता है यहाँ पे। तो one must present, किसी third person के बारे में बात हो रही है तो your नहीं आएगा। Which of the following is correct? देखिए तो simple है, सीधी। No sooner had the guest arrived than it began to rain. Choose the sentence mark A, B, C, D to form a logical paragraph. देखिए paragraph, जब भी logical paragraph की बात होती है तो सबसे पहले हमें starting idea गेट करना होता है। देखिए option भी हमें help करता है इसमें। देखिए या तो B है या D है। देखिए starting के दो sentence है, either B और D। तो B देख लेते हैं। With much of the global economy apparently trapped in long and painful austerity induced slump, it is time to admit that trap is entirely of our making. Yes, ये हो सकता है। डी पे देखते हैं, इट सीम्स लाइक कॉमन सेंस इवन मोर वर्चू टू रेस्पॉन्ड दिस वे। ठीक है, दिस वे यानी पहले किसी चीज की बात चल रही है उसमें कंटिन्यू है, तो ये स्टार्टिंग नहीं हो सकती। अवर स्टार्टिंग विल बी बी। ये दो ऑप्शन तो गए, बी या सी में से ही कुछ हो सकता है। तो पहला सेंटेंस विल बी बी। देखिए इसके बाद ए सी, हमें दोनों में हिंट मिल रहा है, बी ए सी तो एक साथ ही आएंगे। अब चौथे नंबर पर हमें देखना है कि या तो डी है या ई है। तो बी ए सी ये हो गया बी, ए हो गया। वी हैव कंस्ट्रक्टेड इट फ्रॉम अनफॉर्चुनेट हैबिट्स ऑफ थॉट अबाउट हाउ टू हैंडल एस्पायरिंग पब्लिक डेथ। पीपल डेवलप दीज हैबिट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स एंड इन डेब्ट ट्रबल वन मस्ट स्टार्ट स्पेंडिंग एंड पास थ्रू अ पीरियड ऑफ ऑस्टेरिटी अंटिल द बर्डन डेब्ट रिलेटेड टू इनकम इज रिड्यूस। सही है यहाँ पर। इसके बाद देखिए क्या आएगा, इज रिड्यूस्ड, दैट मीन्स, देखिए सिंपल यहाँ कंटिन्यू हो रहा है, दैट मीन्स नो मील्स आउट फॉर अ व्हाइल, नो न्यू कार्स एंड नो न्यू क्लोथ्स। यानी इसके बाद आना चाहिए ई, तो बस प्रॉपर सीक्वेंस होगा बी ए सी ई। लास्ट इज डी, इट सीम्स लाइक कॉमन सेंस इवन मोरल वर्च्यू टू रेस्पॉन्ड दिस। आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। हमेशा देखिए ऑप्शंस की हेल्प लीजिए पैराग्राफिंग में, और कहाँ से आइडिया शुरू हो रहा है कहाँ एंड हो रहा है ये कैच कर सकते हैं। एवरीथिंग अबाउट हिम स्पेशली हिज टॉकेटिव नेचर प्रोक्लेम हिज effeminacy. Choose the antonym. Antonym बताना है। देखिए antonym बताना है effeminacy का। effeminacy का मतलब होता है, देखिए it is related to feminine nature. Feminine nature से related होता है।
और एंटोनिम इसका हो जाएगा मैनलीनेस। हमारा ऑप्शन सी विल बी द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। क्वेश्चन 14, इट इज वन ऑफ द प्रेनेशियस कस्टम प्रिवेलिंग। प्रेनेशियस का मतलब होता है हार्मफुल और इविल, बट जो कि स्लो होती है, वो स्लोली स्लोली वर्क करती है, नॉट इजिली नोटिसेबल, जिसको हम आसानी से नोटिस भी नहीं कर सकते। इट इज वन ऑफ द प्रेनेशियस कस्टम प्रिवेलिंग इन सोसाइटी। फाइंड द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ये हार्मफुल इविल है तो इसका अपोजिट क्या होगा, बेनिफिशियल। द इनडिस्क्रिमिनेट डिमांड फॉर मास कंजम्पशन ऑफ गुड इज डिप्लोरेबल। द अंडरलाइन, देखिए इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो हमें क्या बताना है, द अंडरलाइन वर्ड मीन्स अनडिफरेंशिएटेड, तो सबको इक्वली ट्रीट किया उसने। इनडिस्क्रिमिनेट मीन्स इट वॉज एन एफर्ट टू हिज ओवरवीनिंग वैनिटी। सिंपल है, ओवरवीनिंग का मतलब होता है शोइंग एक्सेसिव, शोइंग एक्सेसिव कॉन्फिडेंस या प्राइड, शोइंग एक्सेसिव कॉन्फिडेंस और प्राइड। ऑप्शन बी इज द आंसर। द करप्ट अकाउंटेंट सीम्स टू हैव एक्टेड इन, देखिए चार वर्ड है, कोल्यूजन कोएलिशन कोलिजन कोहेजन। देखिए कोहेजन तो होगा नहीं, ज्वाइन चिपकने को कहते हैं, कोलिजन टकराने को कहते हैं, कोलेशन और कोल्यूजन। देखिए कोलेशन और कोल्यूजन में माइनर सा फर्क है। कोल्यूजन का मतलब होता है एक सीक्रेट एग्रीमेंट, नॉर्मली कोलेशन क्या होता है, एक ओपन एग्रीमेंट होता है, दोनों में एक चीज तो ये डिफरेंस है। और कोल्यूजन नॉर्मली हम वर्ड यूज करते हैं सीक्रेट एग्रीमेंट टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट, यानी किसी गलत काम, किसी बेईमानी वाले काम करने के लिए तब वर्ड यूज होता है कोलिजन। कोलेशन मतलब नॉर्मली हमारा ओपन होता है एग्रीमेंट। तो हमारा आंसर विल बी ऑप्शन है कोलिजन। इट इज 15 ईयर्स सिंस आई सॉ हिम। सिंपल क्वेश्चन हमारा आ गया। द इडियम इन अ जिफी, देखिए इन अ जिफी मीन्स होता है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, यानी किसी काम को हम बहुत क्विकली कर सकते हैं, देन वी से वी कैन डू इट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये आरसी का था, एनयू 2020 का। इट इज एविडेंट फ्रॉम द मिनिस्टर स्टेटमेंट द हेड्स विल रूल। ठीक है, हेड्स विल रूल, हेड्स विल रूल का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्मल हमारी वोकैब में यूज होता है। हेड विल रूल का मतलब होता है कि कुछ लोगों को हटाया जाएगा, यानी सर्टेन पीपल विल गेट डिसमिस्ड, यानी कि हमारे ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये आएगा ऑप्शन नंबर सी, डिसमिसल्स विल अकर, यानी कुछ लोगों को कंपनी से निकाला जाएगा, इसका मतलब ये है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे जो एएमयू एमबीए 2020 में वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड है। तो इसके रिगार्डिंग जरूर अपना फीडबैक दिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल सलमान सर क्लासेस।